पौरी अनुभाग के बैराड़ थाना सीमा में आने वाले माता के बिलबरा गांव में निवास करने वाले एक दर्जन आदिवासियों के फर्जी तरीके से खाते खोले गए हैं। सरकारी योजनाओं में इन खातों को लिंक कराते हुए इन लोगों के लाखों रुपए फर्जी तरीके से आहरण कर लिए गए हैं। आदिवासियों ने अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि इस पूरे कांड में बैराड़ थाने में पदस्थ आरक्षक इसका साथ दे रहा है और शिकायत वापसी करने का दबाव भी बना रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार माता बिलबरा गाँव में निवास करने वाले एक दर्जन आदिवासियों ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के नाम एक शिकायती आवेदन बैराड़ थाना प्रभारी को दिया है। इस आवेदन के अनुसार राजेश रावत ने ग्राम राजपुरा की बस्ती में जाकर उन्हें बताया कि आपकी कुटीरों का और पोषण आहार और शासन से प्रचलित योजनाओं में सर्वे करने आया हूं। आपके कुछ कागजों की जरूरत है। हम प्रार्थी गणों से राजेश रावत ने आधार कार्ड लिया और बोला कि आपका सर्वे हो गया है। राजेश रावत ने हमें बिना बताए फिनो बैंक में हमारे खाते निकाल लिए और फिनो बैंक के एटीएम जारी कर उन पर कई दिनों से फर्जी रूपए निकालते आ रहा है। जब हमने इसकी सूचना बैराड़ थाने में दी तो प्रधान आरक्षक शिरोमणि ने बिना किसी कार्रवाई के राजेश रावत से पैसे ले लिए और हमसे बोला कि आपके कुछ ही पैसे मेरे पास आ गए हैं, आप अपने आवेदन को वापस ले लो। इस प्रकरण को लेकर हमने बिलबरा सरपंच को बताया तो उन्होंने आरक्षक को फोन लगाया तो आरक्षक से सरपंच ने भी फोन पर अभद्रता से बात की। कुल मिलाकर इस पूरे कांड में आरक्षक आरोपी का साथ दे रहा है। इस शिकायत के साथ ही आवेदकों ने अपने बैंक के स्टेटमेंट भी संलग्न किए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि राजेश रावत और प्रधान आरक्षक शिरोमणि की मिलीभगत से हम समस्त प्राप्तिगणों की खाते और एटीएम तथा बैंक पासबुक भी उन्हीं के पास रखे हुए हैं, जो हम समस्त प्राप्तिगणों की राशि उन्हीं के एटीएम के माध्यम से हमारी समय समय पर आहरण कर रहे हैं। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शासन हम लोग को विकास कर रही है तो मतलब ये हमें जानकारी नहीं है कि बीच में मतलब तुम लोग पैसा खा जाए हमारे जो भी आवास के कुटीर के कुछ भी जो हमें जानकारी नहीं है तो हमें लोगों को चूतिया बना के वो ये लोग अन्य समाज अपना खाता में पैसा निकाल के डाल देती है। कौन डाल रहा है तो खा जाती है। कौन खा रहा है? नाम उसका संजय रावत। तो ये कैसे पैसा निकाल के आता है बिल भरे का? ये पैसा बैंक का खाता निकाल लिया उसने चोरी से। और जो अपनी बैराड़ में खाता निकाल लिया उसने बैंक से पूरा पैसा उसके खाते में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, चेक करा रहे हैं बैंक। हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा? हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा? 12 महीने का पैसा हो गया। हम फिंगर लगा के 50,000 आवाज आया था वो भी निकाल लिया। वो भी निकाल लिया हमने। ले वो भी क्या करें। तो इसकी आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत क्या, हमें पता ही नहीं चला वो जो आवाज का पैसा आया है। आप पता चला सरपंच से कितने किया है तो हमने पता पड़ा है। रिपोर्ट डाली है थाने में, कही थी थाने में रिपोर्ट डाली है। हां तब रिपोर्ट करी है, रिपोर्ट डाली है कि भैया हमारा पैसा से क्यों खा रहा है? जा रहे हम तो चोर में डले आए हमने हाथे का तो उसका नाम आ रहा है फलाने ने पैसा निकाला तीनों बैंक से। हमारा तो ये कहना है हमारा खाता है स्टेट बैंक का। तो हमारा कहना ये है कि भाई हमारी आवास बन जा करें तो पैसा दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है। और थाने में आकर 50,000 रुपया दे के गया है। थाने कौन दे के गया? कोई गया है। किसको दे के गया? संजय का निकालने वाला। संजय तो यहीं पे है ना। ना थाने में किसकी क्यों देके गया है पैसा? क्या पता 50,000 रुपया देके गया है अतर सिंह। थाने में देखेंगे गया कि तुम चले जाओ थाने में। 50,000 रुपया अतर सिंह देके गया है। मैं देख गया वो थाने से पैसा तुम ले लो। लेना जाओ वो पैसा बनना है बल्कि हमारा जाना ज्यादा क्यों 12 महीने का तो वो बनने 15,000 से 18,000 रुपया मोदी डालता है ये साग सब्जी अलग से बनने वाला 50,000 रुपया। क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान। कहाँ के रहने वाले हो? राजपुरा। आपका क्या नाम है? मुन्ना। आप कहाँ के रहने वाले हो? केमई। नाम है आपका? मेरा नाम सुशोभन। कहाँ के रहने वाले? बिलबरा माता। तो अभी जी आदिवासी इतने लोग आए हैं बैराड़ थाने पे, क्या कुछ मामला है? ये हुआ सर के मेरे गांव के आदिवासी इनकी आवाज़ आई थी, इनको पोषण आहार का पैसा मिलता है 1500 रुपये महीना। एक साल से इनका पैसा बाकी आ रहा है। सामने वाला राजेश रावत है बिलबरा माता का तरसी कर, उसने इनके
बोल के भोपाल से मैं आया हूँ, मतलब सरकार की तरफ से, तो मैं आपको जो योजना चल रही है उनके बारे में बताऊँगा, आपकी KYC करूँगा, आप फिंगर लगाइए। इसने फिंगर लगवाया, उनकी फिंगर लगा के इसने उनके फर्जी अकाउंट निकाल दिए, उनका ATM जारी कर लिया। ATM जारी करने के बाद में उनके पैसे एक साल से निकाल रहा था, उसके बाद में उसकी आवाज़ की किस्त आई, तो आवाज़ की किस्त आई तो सबकी चालू हो गई, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। इसने आवाज़ की किस्त उसकी निकाल ली 50,000 रुपये, उसके बाद में हमारे पास आया कि वो मेरी आवाज़ की किस्त क्यों नहीं आई। मैंने देखी सूची, स्टेटमेंट नगर वहाँ पैसा आ गया, पैसा देखा राजेश रावत की ID पे पूरा पैसा चला गया। उसके बाद में उसको बुधवार को आए थे, उनको लेके आवेदन दिए दीवान जी श्रोमणी दीवान जी को। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, ऐसा सा हो रहा है गरीब आदमी से, जिनने आवेदन लिया, उसके बाद में आवेदन लेने वाले इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इनने कल उससे 50,000 रुपये ले लिए श्रोमणी दीवान जी ने। मैंने मुझे सुबह रही आदिवासी को उसने वो लड़का ने फोन लगाया राज रावत ने, क्या तू क्या करेगा मेरा, मैं तो थाने 50,000 रुपये दे आया तो मेरा मैटर तो मतलब क्लियर हो गया। मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा साहब ऐसी सी बात है, ये बोले कही वो हम वो 50,000 रुपये दे गया, तो मैंने साहब आपको पैसा लेने थे। कौन तो बोला कि 50,000 रुपये दे गया? जो अतरसी उसका बाप रहा है, उसका बाप दीमान जी बोले सुरमणि दीमान जी, तो वो पैसा दे गया और मैटर सुधर। मैंने मैटर कैसे सुधर गया, उसके बाकी पैसा भी है, उसके 1500 रुपये महीना आते हैं, उसके मतलब जो सामान सट्टे के आते हैं वो भी नहीं बेके नहीं रहे, तो वो मुझे मैटर पता नहीं। आपने आवेदन सीखा दिया था, मैंने आवेदन सीखा दिया आपको बताया था, आप तो उस पर इसकी पूरी वो कार्रवाई करो ना इस पर, तो ना कोई कार्रवाई करके ना तू का करे हो तो कर साहब, मैं दोबारा आवेदन बस। तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ साहब उस पर कार्रवाई हो, सामने वाले के पैसा दे जाए बस, और मुझे क्या चाहिए उनका जो पैसा एक लाख लगा रहा है उसकी आवाज़ की किस्त दी जाए, उनके पैसा बो दी जाए मुझे, और कोई मैटर थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी ये समस्या है। नाम है भाई आपका? कहाँ की रहने वाली हो? राजपुरा। तो आपकी क्या समस्या है? पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। कहे के तो इसकी कौन है? राजेश मतलब करता गया जो बैंक चलाता है क्या? तो हाँ तुम भाई पैसे निकलवा दे, पैसा नहीं आ रहा है, 10 महीने आ गए, 15 बजे आ गई मैं कहीं, हम मैं थाने पे आई हूँ, थाने वाले ना ही कहते तो भाई थाने पे नहीं, मैं पे घर बैठा हूँ 5 मिनट के। तो अब आप क्या चाहती हो? अब क्या चाहती हो आप? अब कहाँ चाहती हूँ, पैसा चाहूँ, पैसा चाहिए, उन्हें ना ही कहती है वो पैसा चाहिए, नहीं दिया तो ना ही कहती, पैसा चाहिए। मैं नाम है भाई आपका? राम गिलास। कहाँ की रहने वाली हो? राजपुरा। तो आप जो थाने पर आई हो तो क्या मामला है, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं इसमें आई हूँ सगन की आवास बन चुकी हूँ है, और मेरी आवास में बेहते किस्त गिर गई और जिनने निकाल ली। कौन ने निकाल ली? राजेश रावत, और वो भी जे रुपया गिर रहा है सगाई लाड़ली बहन को सबन को 1500 को महीना आया माओ, वो भी रुपया निकल रहा है मेरे, और मेरी ऑपरेशन बाओ वो 3 साल है गई, तो वो भी रुपया गाँव में 1 रुपया नहीं आ मौका दे सफा कैसो। तो आपने इसकी कहीं? हाँ बोलो बोलो। अब मैं कहा करो सगाई बहन है तो निकाल निकाल कर ले जा रही हैं, हैं अब मैं कहा ले जाऊँ निकाल के मुँह पे पिंगले लगवा ले, अब मुँह का पता जहाँ मैं खा कर रहे हैं खा नहीं कर रहे, तो बिताई हर लोग जिन खाते हैं दिखा रहे कहीं रुपये नहीं आ रहे, वो दूसरे खाते में जा रहे हैं। अब मैं कहा सोच रही अब आवास को रुपये आ गए सघन की बन चुकी है, मैं कैसे बना लूँ, चाहे कटरी सरपंच नौ कहेंगे तू क्या नहीं बना रही, अब मैं कैसे बना लूँ, मेरे हाथ में रुपये हाँ तब मैं बनाऊँ, अब मैं कैसे बना लूँ, मैं तो डियो तैसी डियो सपा छोरे में, अब मैंने जो सोची जा कचू ना कचू पा तो करना चाहिए कंप्यूटर ने कह जा कितो जा भाई जा बैंक पर चली जा बाप चली जा, तो मैं गत्ते खर्च 5,000 रुपये में गत्ते खर्चे हो गए, मैंने रकम धरे गए तब जब पता सरो लावे सब नहीं कोई मन ने पति नहीं आते को खा रहा कहाँ जा रहे रुपया, तब मन ने जब पता फर हुए कहीं जे बिल नौकरी है, तो मैंने 29 रुपये निकाल लाए ठीक है। कौन ने कही है ये बात, किसने बोला है कि गलती से रुपये निकाल ले? भाई ने कही है। नाम बताऊंगा क्या नाम है उसका? संजय रावत। कौन है वो, क्या करता है?
जी चला रहा है जी बैंक में करता बैंक संचालक है अब मुखा कर लो जिनने काम है।